सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम एक और दफ़ा टेलीमार्ट स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट है ऑनर की तरफ से 9 लाइट। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट की डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, ताकि हम उसकी डिटेल वीडियो आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलें शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑनर 9 लाइट की प्रोडक्ट रखी हुई है। ये प्रोडक्ट जो है, इसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं, इसके बाद देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बॉक्स को देख लेते हैं। तो बॉक्स में यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है। डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज़ ऑनर 9 लाइट एंड ऑब्वियसली सफायर ब्लू कलर विद रॉम 32 एंड रैम 3 GB। ये मैं क्लोजअप दे देता हूँ, यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि क्वाड कैमरा, ऑनर फुल व्यू डिस्प्ले और 2.5D कर्व्ड ग्लास। तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो यहाँ लिखा हुआ है। तो आइए फ़ोन खोलते हैं और देखते हैं कि फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो फ़ोन का हमने रैपर उतार लिया है, फ़ोन खोला हमने, और फ़ोन खोलते ही सामने हमारे पास एक वारंटी कार्ड मौजूद है और उसी के साथ साथ फ़ोन है। फ़ोन को हम देखते हैं, पहले ये वारंटी कार्ड और ये सारी चीज़ें कॉर्नर पे कर देते हैं। फ़ोन सामने ही हमारे नज़र आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। क्लोज़अप दे देता हूँ मैं आप लोगों को इस चीज़ पर। थोड़ा कूल सा इसका डिस्प्ले साइज़ में मेरे ख्याल है कंपैटिबल लग रहा है मुझे। लेट्स गेट इट आउट एंड सी के क्या चीज़ें हैं इसमें। ऐसा पता नहीं ऐसा प्रोडक्ट में है या मुझे ये बहुत लाइट फ़ोन लग रहा है। सो ऑब्वियसली लाइट तो हो गई क्योंकि इसका नाम ऑनर लाइट है। सो बहुत ही वेट में लाइट है ये फ़ोन। इसका क्लोजअप मैं आपको देता हूँ, पहले इस फ़ोन को ऑन कर देते हैं। फ़ोन ऑन हो रहा है, जब तक इसके अंदर कॉन्टेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। सो दिस इज़ ओके, सो दिस इज़ बैग है आई थिंक। इसके अंदर जो है एक हमारे पास बैक कवर आ जाता है, ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, बट इट्स नॉट रबर, इट्स प्लास्टिक। ये रबर का नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ये प्लास्टिक का है, थोड़ा हार्ड केस काइंड ऑफ अ थिंग है। पीछे अगर आप देख सकते हैं तो एक फ्रॉस्टी सा लुक दिया हुआ है, तो बहुत ही अमेजिंग सा इफेक्ट है। इसी के साथ साथ कुछ यूज़र मैनुअल है और ये बैग को कॉर्नर पे करते हैं। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्जिंग ब्रिक है और चार्जिंग केबल है। तो चार्जिंग केबल की हम देखें तो USB into Android, so basically charging जो डॉक है इसका वो पुराना वाला ही है। साथ साथ अगर हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक जो है वो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग ब्रिक है, और इसमें जो ये पावर प्रोवाइड कर रहा है, इट्स 5 वॉट एंड 2 एम्पेयर। सो एक सॉलिड सा ब्रिक है, बड़ा सा क्लच सा। साथ ही साथ इसका जो अपर, अगर आप ये पिन अपर पिन देख रहे हैं तो दिस कैन बी ऑब्वियसली रिमूव्ड। अभी यहाँ पे पैकिंग चढ़ी हुई है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा, लेकिन बाद में ये रिमूव हो सकता है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक कूल सा फीचर दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग सा एक दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक सिम इंजेक्टर टूल है। ये सिम इंजेक्टर टूल जो है ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन का है, तो ये भी एक नई चीज़ देने की कोशिश की है। खैर, आप फ़ोन की तरफ देखते हैं तो फ़ोन को मैंने ऑन कर लिया है, तो सेटअप रिक्वायर्ड है। सेटअप से पहले मैं एक आप लोगों को क्लोज़अप दे दूं। तो बेसिकली दिस इज़ द फ़ोन, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ये लेविस सा इसका कलर है, मतलब इट्स अमेजिंग रिफ्लेक्टिंग, बहुत इसकी कूल सी है, अच्छा फ़ोन लग रहा है। और पीछे ही आप देख सकते हैं कि ड्यूल कैमरा हमारे पास नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर नज़र आ रहा है। तो कैमरे फ़ोन की सेटिंग्स हम देख लेते हैं। Alright, so this is something cool जो हम देख सकते हैं यहाँ। This is a fingerprint input जो हमें देना है, तो हम इस पर करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि fingerprint touch control में क्या होने वाला है, fingerprint ID में इनफैक्ट क्या होने वाला है। तो हमने इसको enable की, enable करते ही it's asking for pin, pin हमने put in कर लिया 14789, वही अपना पुराना pin डालते हैं हर जगह, 14789। Alright, so I am supposed to place my finger on this, so let's do it. ओके, सो इट्स आस्किंग फॉर यू नो, बहुत थॉरली जो है ये फिंगरप्रिंट्स रिक्वायर्ड है इसमें। ऑलराइट, वी आर फाइनली डन सक्सेसफुल, चलें दैट्स गुड, गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो हियर वी आर, द सेटअप इज़ डन। सेटअप जब तक हो रहा है तो मैं आपको इसके कुछ क्लोजअप दे सकूँ। सो बेसिकली इस साइड पे यहाँ पे एक पावर बटन है, पावर बटन के साथ साथ वॉल्यूम रॉकर्स हैं। फील जो है वो इतना कोई प्रीमियम फील नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक कूल सा मैं बोल दूंगा, एक एवरेज
फील है यहाँ पे. ऊपर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं अवेलेबल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिम ट्रे मौजूद है. ये जो सिम ट्रे है ये हाइब्रिड सिम है. इसी के साथ साथ अगर हम नीचे देखते हैं तो एक ऑडियो जैक हमें मौजूद है. उसी के साथ साथ हमारे पास नॉर्मल चार्जिंग जैक है. इसी के साथ साथ हमारे पास स्पीकर है और माइक्रोफोन्स भी हैं. पीछे की तरफ अगर हम देखें तो वही हमारे पास एक फिंगर स्कैनर है और उसी के साथ साथ एक ड्यूल कैमरा सेटअप और फ्लैश अवेलेबल है. सो ये फ़ोन अपने कैमरे की वजह से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है. इस फ़ोन में 4 कैमरे मौजूद होने का एक जो है बहुत अमेजिंग सा फैक्ट अवेलेबल है यहाँ पे. 4 कैमरे का मतलब ये है कि ये 2 कैमरे बैक हैं एंड वी हैव 2 कैमराज ऑन द फ्रंट. सो दिस इज़ अमेजिंग. कैमरे की बात हो ही रही है तो इसके जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन है विद एपरेचर ऑफ 5f 2.2. फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसका फ्रंट कैमरे है वो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल द सेम कॉम्बिनेशन विद एपरेचर f2. इसका सबसे पहले हम जो है वो फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स रेट देख लेते हैं कि किस तरह का हमें मिलने वाला है. तो लेट्स सी, यहाँ मैं फिंगर अपनी अटैच करूँगा और लेट्स सी कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो 3, 2, 1 गो. सो काफ़ी कूल सा फास्ट रिस्पॉन्स है मेरे ख्याल से. फास्ट है, काफ़ी फास्ट है. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट मुझे लग रहा है ये. कंपैरेटिवली कुछ इसी तरह की प्राइस रेंज में जो फ़ोन है उनसे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट है. अगर इसको आपका थोड़ा सा क्लोजअप दूँ तो ये इसका रिस्पॉन्स रेट भी बहुत अमेजिंग है. विद ऑब्वियसली जो आप इसके कलर्स देख रहे हैं वो बहुत ब्राइट और कूल से है. इसकी ब्राइटनेस जो है वो हम फुल कर देते हैं ताकि इसमें. सो मेरे पास इस वक्त जो वेरिएंट है ये 3GB रैम और 32GB के साथ इंटरनल स्टोरेज के साथ है. इसमें और भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जिसमें 4GB रैम और 64GB वेरिएंट स्टोरेज के साथ अवेलेबल है. और ये एक्सपेंडेबल है, एक्सटर्नल स्टोरेज की एक्सपेंड हो सकती है. इसी के साथ साथ अगर इसके आउटलुक की मैं वैसे ही आपको कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ जो रह गई है यहाँ पे वो ये है, इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 5.65 इंचेस स्क्रीन साइज़ है विद फुल HD डिस्प्ले. और इसका जो एस्पेक्ट रेशो है विच इज़ ऑब्वियसली द बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग, तो एस्पेक्ट रेशो इसका 18:9 है. तो दिस इज़ समथिंग कूल. फर्दर मोर हम और भी चीज़ें इसकी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इसका कैमरा का डेप्थ सेंसर का मैं आपको कुछ इफेक्ट्स दिखा देता हूँ. सो इसका कैमरा सेट करने के लिए हम बॉक्स को सामने रखते हैं और लेट्स हैव अ पिक्चर. राइट, सो बॉक्स का मैंने बॉक्स ऑनर का सामने रखा. देयर इज अ ट्यूटोरियल एंड एवरीथिंग इनेबल लेटर. ओके अलाउ. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू टेक अ पिक्चर एंड शेयर के यार इसका किस तरह के इफेक्ट हैं. सो टेस्ट करते हैं इसको. सो पहली जो हमने लिए वो नॉर्मल एक मोड है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेलीमार्ट बहुत क्लोजली और क्लियरली नज़र आ रहा है विद द बैकग्राउंड नॉट दैट ब्लर्ड आउट ऑब्वियसली. इसी के साथ साथ दूसरा जो है इसमें ब्लर इफेक्ट तो मैं कहूँगा कि कुछ अमेजिंग से नहीं है इसके. इनफैक्ट मेरा खुद का चेहरा भी ब्लर कर दिया है. साथ ही साथ बैकग्राउंड में मुझे टेलीमार्ट भी नज़र आ रहा है तो थोड़ा वाइड एपरेचर मोड जो है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा मुझे. इसी के साथ साथ अगर हम बैक पिक्चर की बात कर रहे हैं तो बैक पिक्चर पे आप देख सकते हैं कि वी वर फोकसिंग ऑन लाइट और पीछे आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ ब्लर्ड. बट अगर हम नॉर्मल मोड में देखें तो ब्लर नहीं है बल्कि इनफैक्ट क्लियरली नज़र आ रहे हैं. तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस कैमरा. कंपैरेटिवली इस प्राइस रेंज में रिज़ल्ट कैमरे का अच्छा है. फ़ोन बहुत लाइट है और हैंडी और कैरी करने में बहुत आसान है इस फ़ोन को. इसी के साथ साथ अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें इस फ़ोन की तो इस ये फ़ोन जो है ये ऑनर की अपनी हुवावे ऑनर की अपनी चिपसेट जो कि हाई सिलिकॉन है वो यूज़ की गई है विद किरन 659. दैट इज़ अमेजिंग. और ऑक्टाकोर प्रोसेसर है इसका विद एंड्रॉयड 8.2 नहीं, इनफैक्ट 8.0 है. फिर भी हम सेटिंग्स में एक दफ़ा जाके कंफर्म कर सकते हैं ये चीज़. राइट, सो अबाउट फोन एंड वी कैन फाइंड आउट. सो या, सो वेरिएंट दैट वी हैव इज़ अराउंड 3GB विद इंटरनल स्टोरेज ऑफ 32GB. अदर देन दैट इसमें हमारे पास जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 8.0 है और CPU जो है वो हाई सिलिकॉन किरन 659 है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन सी प्रॉपरली राइट हेयर. अदर देन दैट दिस फोन इज़ पैकिंग अराउंड 3000 mAh ऑफ बैटरी विच इज़ अमेजिंग. बहुत ही कूल सा फीचर है जो कि अवेलेबल है. फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका रिमोटली मैं कह सकता हूँ कि रिस्पॉन्स इसका काफ़ी बेहतर है कंपैरेटिवली. तो ये था एक रिव्यू वीडियो.
होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा. इसकी और बेहतर और इंटेंस कंपैरिजन वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आने वाली है. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड दिस वाज द अनबॉक्सिंग. होपफुली मैंने सारे फैक्टर्स इसके कवर कर लिए होंगे. इन केस अगर मैंने कोई नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. सो गाइज, ये था ऑनर की तरफ से 9 लाइट. उम्मीद है आप लोगों को रिव्यू पसंद आया होगा. आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है और उन ब्रांड्स के फ़ोन्स को हम अनबॉक्स और रिव्यू वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं. अभी तक के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.